आज की हमारी रेसिपी दाल ढोकले के लिए हम सबसे पहले दाल भिगोएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप तुअर दाल ली है। इसको अच्छे से 3 to 4 टाइम हम वॉश करके 1 आवर के लिए भिगो के छोड़ देते हैं। तो इसको हम सबसे पहले वॉश कर लेते हैं। तो दाल को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी डाल के हम 1 आवर के लिए भिगो के छोड़ देते हैं। इस पर लीड लगा के साइड में रख देते हैं। तो दाल को हमारे 1 आवर जैसा हो गया है। देखिए फूल भी चुकी है, सॉफ्ट भी हो चुकी है। इसे अब हम कुकर में 3 to 4 विसल लगा लेते हैं। तो दाल हमने जितनी ली है, 1 कप ली है, तो इसमें 3 कप हम वाटर डालेंगे। 3 गुना हम हमेशा ज़्यादा पानी डालेंगे। जितनी दाल है उसके 3 गुना पानी डालेंगे। 1 बे लीफ डाल दी है हमने। सॉल्ट डाल देते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैं यहाँ 1 स्पून डाल रही हूँ। टर्मरिक पाउडर 1/2 स्पून, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, बाकी मसाले हम जब इसका तड़का तैयार करेंगे तब डालेंगे। 1 जो है कार्डमोम डाल देते हैं, 1 कार्डमोम डाल देते हैं इसमें, और इसको 3 बेसन लगा लेते हैं, कुक कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे हमने कुकर को चढ़ा दिया है। 3 to 4 बेसन ले लेते हैं। तो अब हमारी कुकर में बेसन आ रही है, तब तक हम मसाला ढोकली, ट्रेडिशनल मसाला ढोकली बना रहे हैं, उसका डो लगा लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा मोइन घी का। यहाँ मैंने 1.5 कप आटा लिया है जिसमें मैं मोइन डाल रही हूँ, 4 से 5 चम्मच। थोड़ा सा ही चाहिए हमें, अकॉर्डिंग टू सॉल्ट है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है हमें। थोड़ा सा डालेंगे रेड चिली पाउडर। मसाले वाले बना रहे हैं, अगर मसाले की प्लेन खाना पसंद करते हैं तो ये मसाले अवॉइड करेंगे, और मसाले खाने पसंद करते हैं तो हम मसाले ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है, थोड़ा सा क्यूमिन सीड, थोड़ा सा अजवाइन लेंगे, इसको हाथ से मकरो के डालेंगे। थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सॉरी, 1/2 स्पून जैसा मैं गरम मसाला डालूंगी। थोड़ा सा जिंजर पाउडर, और अगर तीखा पसंद है तो रेड और ग्रीन चिली, यहाँ आप चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फ्रेश ग्रीन और रेड चिली चॉप की हुई डाल रही हूँ। और अब इसका हम डो लगा लेंगे। डो हमारा टाइट रहेगा, ज्यादा लूज नहीं लगाना है। ढोकली का डो हमेशा टाइट लगता है। पहले मिक्स कर लेती हूँ मसाले, और टाइट डो हम लगा लेंगे। तो टाइट डो हमने लगा लिया है। इसको हम अच्छे से मसल मसल के शाइनिंग वाला एक जैसा कर लेंगे। पाटे पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे और अच्छे से आटे को मसल के तैयार कर लेते हैं। तो आटे को हमने अच्छे से मठा लिया है मसल के। अब इसमें से हम छोटी सी लोई कट करेंगे और इसको अच्छे से पेड़े का शेप देते हुए बेलेंगे। टाइट इसलिए बेलते हैं, यहाँ बेलने में हमें आसानी रहेगी। दिख रही है ना कलरफुल अच्छी, ज्यादा पतला भी नहीं तो ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे हम, जिससे ढोकली का टेस्ट बहुत यम्मी और टेस्टी आएगा। तो इसको हमने बेल लिया है। अब आप चाहो तो कटर से भी कट कर सकते हो, नाइफ से भी कट कर सकते हो, अपने मनपसंद का कोई भी शेप। और आप चाहो तो ट्रेडिशनल ढोकली राउंड होती है, कोई भी ढक्कन लेके आप उसको राउंड कट कर सकते हो। मैं यहाँ स्क्वायर कट कर रही हूँ।
छोटा बड़ा अपने हिसाब से, मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी। आप चाहो तो इसको डायमंड शेप में भी कटिंग कर सकते हो। ऐसे हम इसको कट कर लेते हैं। साइड का जो है मैं निकाल देती हूँ और इसी तरह बाकी के सारे बेल लेते हैं हम। इनको मैं उतार लेती हूँ दूसरे में। जैसे पहले बेला और कटिंग किया वैसे ही हम बाकी के पेड़े बना बना के बेल की कटिंग करके तैयार कर लेते हैं। तो ढोकली हमने बेल की कटिंग करके तैयार कर ली है। अब एक कढ़ाई में मैंने घी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ढोकली जो है हल्की फ्राई कर लेंगे। आप चाहो तो सेलो फ्राई भी कर सकते हो। तो इस तरह मैं सारी ढोकली को ज्यादा क्रिस्पी भी नहीं करेंगे, हल्की जो है फ्राई कर लेंगे, जिससे ढोकली का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। काफी जन क्या बोलते हैं ढोकली जो है कच्ची लग रही है खाने में, वो चीज इसमें नहीं आएगा। आप इस तरह से बना के एक बार फ्राई जरूर कीजिएगा। हल्का गोल्डन कलर आने लग गया है, हम इसको निकाल लेते हैं जरे की हेल्प से। दाल के भी हमारे 4 व्हिसल आ चुकी है। ढोकली जो है इनको भी हमने देखिए फ्राई कर ली है। और एक साइड अब हम पानी बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। ये 4 कप वाटर है जो कि बॉईल हो चुका है। इसमें अब हम ये जो ढोकली है इसको छोड़ देंगे थोड़ी सी आग से और 2 उबाले ले लेंगे। तो ये हमें बॉईल पानी में ही छोड़नी है। इसके लीड लगा देंगे और 2 उबाले आने तक हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 उबाले इसको ले लेंगे। तो अब ढोकली भी हम चेक कर लेते हैं। हमें चढ़ाए हुए 5-7 मिनट हो गए। तो ढोकली भी अच्छी दिख रही है, सॉफ्ट दिख रही है हमें। देखिए सॉफ्ट हो चुकी है। हम फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसका पानी हम निकालेंगे नहीं, इसी दाल में हम यूज कर लेंगे। तो अब दाल की भी बिसर निकल चुकी है, हम चेक कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी कुक हुई है। इसको हम घोट लेते हैं, एक जैसे मिक्स कर लेंगे। तो उबली हुई जो ढोकली है इसी में हम दाल जो उबली हुई है हमारी ये मिक्स कर देंगे और इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसका जो तड़का है हम तैयार कर लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ घी चढ़ा दिया है। 4 स्पून घी डाला है क्योंकि दाल ढोकली में घी बहुत ही टेस्टी लगता है और हम ऊपर से भी लेके इसमें खा सकते हैं घी को। घी कोई जिनको ज़्यादा नहीं खाना है वो अवॉइड करें। बाकी तड़के में घी 4 स्पून डाला है। हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, बे लीफ, मस्टर्ड सीड, क्यूमिन सीड, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, गरम मसाला, जिंजर पाउडर, फ्लेम स्लो रखेंगे। और यहाँ मैंने टमेटो, कैप्सिकम, रेड चिली ये सब चॉप करके रखा हुआ है, वो तड़के में हम छोड़ देंगे। आप अनियन, गार्लिक पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टू मिनट हम कुक करेंगे। तो इसे 2 मिनट कुक होते हो गए हैं। हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और ये तड़का तैयार है। फ्लेम कर देंगे स्लो। हमने वापस डाल दी को 1 उबाला लेना है और ये जो तड़का है हम डालेंगे अपनी दाल ढोकली में। करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना है।
अब इसको एक उबाला ले लेते हैं हम, हाई फ्लेम पे हम चढ़ाएंगे इसको। इसको मैंने हाई फ्लेम पे चढ़ा दिया है, 1 उबाला ले लेंगे। इसको हमें कंटिन्यू हिलाता ही रहना है, 2 बॉयल आ चुके हैं, अदरवाइज जो ढोकली है नीचे लगने का रहेगा। अब आप चाहो तो लेमन इसमें पूरे में ऐड कर सकते हो, और आप चाहो तो सर्विंग प्लेट में ऐड कर सकते हो। मैं इसको यहीं पे ऐड कर देती हूँ, लेमन जूस, 2 लेमन जूस, 2 लेमन का जूस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और ये हमारी तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में ले लेते हैं, फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो सर्विंग प्लेट में हमने दाल ढोकली डाल ली है, अब डालेंगे हम घी। एज यू लाइक, थोड़े से चॉप किए हुए टमाटो हम गार्निशिंग में डाल सकते हैं, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते हैं ऊपर से लिए हुए। आप अनियन भी पसंद करते हैं तो ऊपर से डाल सकते हैं। एंड में हम डालेंगे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। तो तैयार है हमारे दाल ढोकली सर्विंग प्लेट में। कैसी बनी मेरी रेसिपी, बना के मेरे को कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जय जिनेंद्र।